हे गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ सस्टेनेबल एवरी डे। और गाइस, आज इस व्लॉग में जो है, मैं अपनी साइट पे एक सोल ब्राइट का रोबोट है, ठीक है, उसको रिव्यू करने वाला हूँ। क्योंकि रोबोटिक क्लीनिंग के रिलेटेड लोग मुझसे बहुत क्वेश्चन पूछते हैं कि सर, मतलब कुछ रोबोटिक क्लीनिंग के बारे में भी वीडियो बनाओ, हम देखना चाहते हैं कि मतलब कैसे काम करता है। तो एक रोबोट है, मैं उसका रिव्यू कर रहा हूँ, ठीक है। तो सोल ब्राइट का रोबोट है और आप देखोगे मेरे पीछे ये ऑपरेट कर रहा है। तो देखिए, जब रोबोटिक क्लीनिंग आप देखते हो, आप कंसिडर करते हो, तो हालांकि मैंने बहुत सारे कंपनी के रोबोट देख रखे हैं, तो बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिन पे इसको जज किया जाता है कि मतलब जस्ट इन केस कितना इसका लोड है, मतलब मॉड्यूल्स की टेबल के ऊपर, मॉड्यूल्स के ऊपर इनके व्हील का कितना लोड पड़ रहा है, ठीक है, इसकी मतलब स्पीड कितनी है कि पर मिनट में ये कितने स्पैन को कवर कर पा रहा है, ठीक है, इसका डॉकिंग यार्ड या रिवर्स स्टेशन कैसा होना चाहिए, अब इसको एक्सटर्नल बैटरी सोर्स देना है, एक्सटर्नल पावर देना है, ठीक है, वाटरलेस, मोस्टली तो वाटरलेस रहता है, लेकिन कुछ कुछ में मैंने प्रोविज़न देखा है कि नोजल्स लगे रहते हैं, आप एक्सटर्नल वाटर पाइप भी अटैच इसमें कर सकते हो। अच्छा, फिर एक चीज़ देखना है कि इसका चार्जिंग स्टेशन कैसा है, मतलब एक्सटर्नल बैटरी लगाना है कि ये सेल्फ सफिशेंट है। अभी हालांकि इसमें आप देखोगे कि सोलर पैनल नहीं माउंटेड है, बट इसमें एक्सटर्नल बैटरी हमें नहीं लगानी पड़ती, क्योंकि इसके जो डॉकिंग स्टेशन है, जहाँ पे ये इसका इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट होता है, वहाँ पर जाके ये डॉक होने के बाद चार्जिंग इसकी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा इसका सिस्टम है। तो बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो मैं इसमें आपको जज करके दिखा रहा हूँ। तो देखिए, जैसा कि क्या है कि मतलब मॉड्यूल के जो टेबल का स्पैन है, 5 मॉड्यूल लगे हुए हैं, यानी 5 मीटर ये लंबा है, 5 मीटर से कुछ लंबा होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या है कि एक तो स्पेशली रेल लगा रखी है कि जिसपे इसके जो एक्रेलिक व्हील है, ये इसका जो एक्रेलिक व्हील है, ये पर्टिकुलरली रेल पे चल रहा है, तो मॉड्यूल के टेबल पे नहीं चल रहा है, ठीक है। और इस पूरे जो सोल ब्राइट का जो रोबोट है, इसका जो वेट है अराउंड 60 kg है, ठीक है। तो इसमें आप देखो कितने व्हील्स लगे हुए हैं ऊपर से लेके नीचे तक में, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। तो यानी जो 60 का लोड है डिवाइडेड बाय 10 हो जा रहा है, तो 60 kg नहीं है, डिवाइडेड बाय 12 पॉइंट्स लोड से वो डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। यहाँ पर इसका IR सेंसर लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे इसका इंफ्रारेड सेंसर लगा हुआ है जो आपको फॉल्ट डिटेक्शन बताएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद ये वायरलेसली भी कंट्रोल हो सकता है, उसका रिमोट लगा हुआ है और वो उसके चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। तो वहाँ वो जब वो डॉकिंग स्टेशन पे जाएगा, तो वहीं से जो आपके इलेक्ट्रोड के, सॉरी क्या कहते हैं उसको, लेड का जो इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, वो कॉन्टैक्ट में आने के बाद चार्जिंग होने लगती है, ठीक है। और ये रहा इसका इसका रिमोट है, ठीक है, आधे में चाइनीज़ में लिखा हुआ है, चाइनीज़ पर आप मत ध्यान दो, ठीक है, इंग्लिश वाला देखो। और यहाँ पे इससे क्या है, रीसेट बटन है, रीसेट से जस्ट इन केस स्टक हो जाता है, तो मैं इसके अलाइनमेंट को कुछ आगे पीछे चेंज करके रीसेट दबा के इसे वापस स्टार्ट कमांड दे सकता हूँ, वही मोड चेंज करके मैं इसे रिवर्स या फॉरवर्ड बैकवर्ड कर सकता हूँ। तो रोबोटिक क्लीनिंग इज़ लाइक वेरी गुड, और मतलब काफ़ी जल्दी आपके मॉड्यूल क्लीनिंग हो जाते हैं, बट स्टिल मतलब मैंने मार्केट में ऐसा कोई रोबोट नहीं देखा जो हैजल फ्री हो। मतलब यार, इट इज़ अ मूविंग पार्ट। सोलर प्लांट की सबसे अच्छी खूबसूरती यही है कि देर इज़ नो मूविंग पार्ट, जो इन्वर्टर है, मॉड्यूल्स है, तो मूविंग पार्ट ना होने की वजह से जो खराबियाँ आती हैं ड्यू टू वेयर एंड टेयर, वो बहुत ही कम होता है। लेकिन अब सिंस नाउ वी हैव अ रोबोट, क्लीनिंग रोबोट विच इज़ अ मूविंग पार्ट, तो इसमें बहुत सारी अपने को दिक्कतें आ सकती हैं। जैसे कभी क्या भी क्या होता है, ये डीरेल हो जाता है, या ऐसा कुछ होगा कि इसका कोई व्हील ढीला हो जाएगा तो उसकी वजह से डीरेल हो जाएगा, या इसकी कुछ अलाइनमेंट मिस अलाइन होगी तो मिस अलाइन हो जाएगा। जैसे अभी आप यहाँ पे देखोगे कि जो हमारा टेराइन है, मतलब ये जो टेबल है, वो ऐसा ऐसा मतलब वेव की तरह गया हुआ है, जस्ट बिकॉज द लैंड इज़ नॉट फ्लैट, तो स्ट्रक्चर के मिस अलाइनमेंट की वजह से भी ये डीरेल हो जाता है। तो ये सारे इशू तो अपने मतलब रोबोट में आ जाते हैं, लेकिन इनको समय के साथ साथ जैसे जैसे आप साइट पे ऑपरेट करते रहोगे, तो स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करके या मेटालिक पार्ट लगा के इसको सपोर्ट देके हम ओवर ये सारी फॉल्ट्स को ओवरकम कर सकते हैं। तो ये रोबोट है सोल ब्राइट का, जिसका मैं रिव्यू आपको करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। फाइबर की बॉडी है और मतलब काफ़ी जो डस्ट हटाने का जो इम्पैक्ट है, काफ़ी मतलब मुझे अच्छा लग रहा है,
मॉड्यूल काफ़ी हमारे साफ लग रहे हैं, तो डेली बेसिस पे अगर ये रोबोट चलेगा, स्क्रबिंग करेगा, तो आई डोंट थिंक सो जनरेशन की कोई प्रॉब्लम आने वाली है। और मतलब काफ़ी सोल ब्राइट कंपनी ने काफ़ी अच्छा काम कर रखा है वो रोबोट डिज़ाइन करने में। अगर आप देखोगे कि काफ़ी लंबा हमारे मॉड्यूल ट्रे का स्पैन है, और इसमें जो जॉनसन मोटर लगी हुई है, जो गियर्ड मोटर रहती हैं, पल्स विद मॉड्यूलेशन पे चलती हैं, और गियर सिस्टम ऐसा रहता है कि मोटर कम टॉर्क में ज़्यादा उसको पावर मिलता है, सॉरी मतलब कम पावर में ज़्यादा टॉर्क मिलता है, गियर अरेंजमेंट ऐसा रहता है। तो ये भी मतलब काफ़ी R&D का पार्ट होता है ये, मतलब हर कोई कंपनी है इसको अचीव नहीं कर सकती, ठीक है। तो काफ़ी R&D के बाद मतलब मिस अलाइनमेंट में रोबोट कैसा है, ये देखिए यहाँ पे गैप है, ठीक है, यहाँ मॉड्यूल में आप देखो गैप है, तो अब रोबोट यहाँ पे इसको देखिए कैसे पार करेगा, ठीक है, इसमें गैप आ रहा है। काफ़ी सारे सेंसर्स लगे रहते हैं जो रोबोट सेंस कर लेता है कि नाउ देर इज़ अ गैप, नाउ देर इज़ अ डेड एंड, वेयर आई हैव टू स्टॉप एंड वेयर आई हैव नीड टू गो बैक, और बैक एंड फोर्थ ऑपरेशन। देखिए कैसे उसने उसको पार कर लिया। अच्छा, फ्रॉम मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू, मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू में हम क्या करते हैं कि रोबोट्स जो रहते हैं उसमें हमें उसकी कुछ 1-2 महीने के बाद इसकी बॉडी खोल के और इसके अंदर के जो मूविंग पार्ट्स रहते हैं उसको हमें एयर ब्लोअर से क्लीन करना पड़ता है, क्योंकि काफ़ी डस्ट एक्यूमुलेट हो जाती है। आप देखोगे अभी से इसकी बॉडी में कितनी डस्ट एक्यूमुलेट हो रही है, जस्ट बिकॉज इसको रेगुलर स्क्रबिंग करनी पड़ती है। फिर उसके बाद इसके रेगुलर मेंटेनेंस में क्या आता है कि कंपनी का कहना है कि आफ्टर 6 to 8 months या 9 months आपको अगर अच्छी क्वालिटी चाहिए डस्ट स्क्रबिंग की, दैट यू देन यू नीड टू चेंज द ब्रिसल्स, जो ब्रिसल वाली रॉड होती है जो स्क्रबिंग करती है डस्ट की, उसको हटाना पड़ेगा, मतलब रिप्लेस करना पड़ेगा। ऑल्सो चलते चलते जो इनके एक्रेलिक के ये वाले जो व्हील्स होते हैं, तो ये भी मतलब काफ़ी ब्रिटल हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, ग्रिप नहीं मिलती है इनको अपने इस पे रेल पे, तो उसको भी रिप्लेस करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो रेगुलर मेंटेनेंस में रोबोट के आती हैं, ठीक है। बाकी और कुछ इसमें ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ और आपको ना समझ में आए, या कोई डिज़ाइनर है अगर वो कोई कॉलेज स्टूडेंट है डिज़ाइन करना चाह रहा है रोबोट उसको ना समझ में आए, तो ये सब चैलेंजेस हैं जो आप छोटे छोटे मैकेनिकल स्पेयर पार्ट्स लगा के उसको ओवरकम कर सकते हो। बट स्टिल दिस टेक्नोलॉजी इज़ इन द डेवलपिंग फेज, और ऐसा कोई रोबोट नहीं है मार्केट में जो मैंने देखा कि ला के भैया मॉड्यूल पर पटक दो धन सफाई चालू कर देगा, तो ऐसा तो मैंने नहीं देखा। आई हैवेंट सीन एनी ऑफ द रोबोट लाइक एज सक्सेसफुल, बट वही है जब रोबोट एक बार, क्योंकि हर साइट का मैं बता दूँ यार सिनेरियो अलग होता है, ठीक है, कहीं पे लैंड फ्लैट होगा, कहीं पे लैंड फ्लैट नहीं होगा, कहीं पे टेबल एकदम फ्लैट होगी, कहीं पे अप साइड डाउन साइड ऐसा कुछ हो के डिविएशन होगा, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मतलब फ्रेम प्रॉपर अलाइन नहीं होगा, तो उसकी वजह से रोबोट, अब आप कितना भी अच्छा डिज़ाइन कर लो, इट इज़ अ मूविंग पार्ट, तो डिरेलमेंट तो जैसे कैसे होता है, ट्रेन कैसे डिरेल हो जाती है, हाँ, क्योंकि जो ट्रेन की पटरी होती है उसमें कुछ डिफॉर्मेशन आता है तो ट्रेन की पटरी व्हील्स भी डिरेल हो जाते हैं। उसी के तरीके से यू जस्ट कंसिडर दैट दिस इज़ अ रेल ट्रैक एंड दैट इज़ अ मूविंग ट्रेन, तो अगर आपका रेल ट्रैक अलाइन नहीं होगा तो आपका रोबोट डी अलाइन हो जाएगा। तो इसलिए मतलब मोस्टली प्रेफर ये करिए कि जस्ट इन केस इफ़ यू आर ऑपरेटिंग अ रोबोट, तो कोई साथ साथ आपके चलता रहे, रोबोट के चलता रहे और ये सब चीज़ें देखता रहे कि हाँ यार कहीं मेरा रोबोट डिरेल तो नहीं हो गया है, और क्योंकि डिरेल हो जाएगा तो आप समझो दिस इज़ अ पीक आवर ऑफ जनरेशन, तो अगर मॉड्यूल के बीच में आके रोबोट रुक जाएगा सो इट विल कास्ट अ शेडो ऑन द मॉड्यूल्स, हॉटस्पॉट बनेगा आपके पर्टिकुलर उस एरे में, बहुत ही करंट का बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें रहती हैं जो रॉम मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू आपको देखना पड़ता है। तो अब मैं आपको ले चलता हूँ इसके डॉकिंग स्टेशन के पास और दिखाता हूँ कि जब डॉकिंग स्टेशन में आके रोबोट लगेगा तो कैसा होने वाला है सिनेरियो इसका, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसके पीछे कैसे एक्रेलिक व्हील इसके सपोर्ट पे पीछे पीछे चल रहा है, और एक सेंट्रल मोटर है, देखिए ब्रिसल्स कैसे इसमें घूम रहे हैं आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये देखिए इस तरीके से ये अपने पूरे पाथ को कंट्रोल करेगा, मतलब कवर करेगा, वही चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ इसमें। और देखिए क्या काफ़ी इसके व्हील्स की वजह से मॉड्यूल में काफ़ी चेंजेस आते हैं, आप देख रहे हैं कैसे मॉड्यूल वहाँ पे देखिए बेंड हो रहा है, देखिए मॉड्यूल को देखिएगा, ये देखिए कैसे मॉड्यूल बेंड हो रहा है इसके वेट की वजह से। तो अगर इतने सारे व्हील्स अगर इसमें नहीं होते, ठीक है, व्हील्स की कमी रहेगी
और जो इसका 60 kg का जो वेट है अगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा ड्यू टू इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ द व्हील्स, सो डेफिनेटली द व्हील्स आर गोना डैमेज योर मॉड्यूल्स, मॉड्यूल्स में आपके क्रैक आ सकता है। तो ये सब चीज़ ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑपरेशन वेन एवर यू आर मूविंग अराउंड अ प्लांट विच हैज़ अ रोबोटिक क्लीनिंग सिस्टम, तो ये चीज़ आपको कंसिडर करनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी कि अरे यार चलते हुए रोबोट की वजह से कि साला कहीं मॉड्यूल तो नहीं क्रैक हो गया। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ती है ना। अच्छा यहाँ पे इस वीडियो में देखे ये है रोबोट का डॉकिंग स्टेशन। डॉकिंग स्टेशन बोले तो रोबोट जहाँ पे आके पार्क होता है, ठीक है। तो रोबोट जब वहाँ से पूरा अपना साइकिल कंप्लीट करने के बाद आके यहाँ पे डॉक होगा, तो यहाँ पे उसके पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स हैं, ठीक है, जो आके रोबोट के बॉडी में कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं ताकि रोबोट जो है रिचार्ज होने लगता है। रोबोट की बैटरी जो है चार्ज होती है वो इस मॉड्यूल से चार्ज होती है, ठीक है। इनबिल्ट जो लिथियम आयन पैक है वो रोबोट के अंदर बॉडी में लगा हुआ है, बस उसको चार्ज करने के लिए जो चार्ज कंट्रोलर देखिए यहाँ पे लगा है उसका मॉड्यूल यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। तो रोबोट आके यहाँ पे डॉक हो जाता है और फिर पैरेलली उसकी चार्जिंग यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। तो इट इज़ कम्प्लीटली हैजल फ्री कि आपको कुछ ऐसा प्लग इन प्लग आउट करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ता। ये चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छी दे रखी है। प्लस चार्जिंग पॉइंट में कुछ हमारे डस्ट एक्यूमुलेशन हो वो सब कुछ ना आ जाए, तो देखिए यहाँ पे ब्रशेस लगा रखे हैं वो चार्जिंग पॉइंट्स को पॉजिटिव नेगेटिव को स्क्रब कर देते हैं ताकि वो साफ़ सुथरा जाके अंदर जो हमारे यहाँ पे माउंटिंग प्लेट है देखिए ग्रेफाइट की लगी हुई है वहाँ पे कॉन्टैक्ट में आ जाता है और चार्जिंग स्टार्ट हो जाती है। तो अब इस रोबोट का गाइज मैं आपको स्टार्ट करने का प्रोसेस दिखा देता हूँ। इसके लिए हमारे पास जैसा कि मैंने आपको बताया एक डेडिकेटेड रिमोट रहता है, और स्टार्ट करने के लिए हमारा IR सेंसर यहाँ पे लगा हुआ है, और एक हमें ग्रीन लाइट यहाँ पे ऑब्ज़र्व करनी पड़ती है जो धूप की वजह से आपको नहीं दिख रही होगी, और दूसरी चीज़ इंश्योर करनी पड़ती है एक हमारा एक स्टार्ट बटन है जो कि यहाँ पे आपको अंदर दिख जाएगा, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे उसकी पोजीशन ऑन में होनी चाहिए, ठीक है। इसके नीचे बस पुश बटन दिया रहता है, वो उसका ऑन कंडीशन हम जब मेजर कर लेते हैं तो उसके बाद हम जस्ट इस रोबोट को रीसेट करेंगे। रीसेट करने के बाद हम स्टार्ट कमांड दे देंगे, तो स्टार्ट कमांड के बाद आप देखोगे कि रोबोट अपने डॉकिंग स्टेशन से स्टार्ट हो गया है, और अब ये एकदम एंड वाला जो रिटर्न स्टेशन है वहाँ तक जाएगा क्लीनिंग करते हुए, ठीक है। तो अभी मैं बस इसके क्लीनिंग का आपको इम्पैक्ट दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए एक सेल है, सेल को मैंने ऐसे स्क्रब किया, मेरी फिंगर्स इसमें आपको दिख रही होंगी। अब ये रोबोट इसको स्क्रब करेगा, फिर देखिए इसका इफ़ेक्ट देखिए। अब गाइज मैं आपको दिखाता हूँ कि जो हमारा जो रोबोट है वो अपने डॉकिंग स्टेशन पे आके डॉक होने वाला है, ठीक है। तो इसका डॉकिंग स्टेशन मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा इसका डॉकिंग स्टेशन जहाँ पे इसके सोलर मॉड्यूल लगे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। सोलर मॉड्यूल के बाद इसका चार्जिंग पॉइंट लगा हुआ है, ठीक है। तो अभी आप देखोगे कि हमारा जो रोबोट है वो पूरा मॉड्यूल क्लीनिंग वहाँ तक पूरा स्पैन टेबल क्लीन करने के बाद अपने डॉकिंग स्टेशन पे आके वापस डॉक हो रहा है, मतलब पार्क हो रहा है। तो देखिए अभी रोबोट आया और जो इसके पॉजिटिव और नेगेटिव कॉन्ट्रैक्ट इलेक्ट्रोड है ऐसे ब्रश से साफ होंगे और फिर कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे। देखिए अभी कम्प्लीटली पार्क हो गया है, ठीक है। ये रहा इसका चार्जिंग मॉड्यूल, तो चार्जिंग मॉड्यूल से जो पावर आ रही है वो इसके चार्ज कंट्रोलर से होते हुए इसके लिथियम आयन पैक में चली जा रही है। अब ये रोबोट चार्जिंग में लगा है कि नहीं वो पता करने के लिए यहाँ पे एक चार्जिंग लाइट होती है जो ग्रीन कलर की जलने लगती है जो हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। अभी तो हाँ ठीक है, अभी ये चार्ज होने लगी है, धूप की वजह से आपको नहीं दिख रही होगी लेकिन मुझे दिख रही है, तो इट इज़ चार्जिंग राइट नाउ, ओके। तो ये रहा इसका चार्जिंग डॉकिंग स्टेशन जहाँ पे आके पार्क हो गया और इसने हमारी मॉड्यूल क्लीनिंग कंप्लीट कर ली है। तो भाई मेरे रिव्यू में तो काफ़ी अच्छा रोबोट है, जिस हिसाब से मतलब जो बेसिक परफॉर्मेंस चाहिए इन टर्म्स ऑफ क्लीनिंग ऑफ मॉड्यूल तो वो चीज़ हमें यहाँ पर प्रोवाइड हो रही है। तो ये था सन सोल ब्राइट का रोबोट जिसका मैंने आपके लिए आज रिव्यू किया। होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो सोलर एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड अगर आपको और भी वीडियोस देखने हैं तो आई मेक वीडियोस टोटली बेस्ड ऑन रिन्यूएबल एंड सोलर एनर्जी, और मेरे अपकमिंग वीडियोस भी काफ़ी मतलब अच्छे हैं और इन्फॉर्मेटिव होने वाले हैं रिलेटेड टू कटिंग एज टेक्नोलॉजी इन द रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। सो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड स्टिक टू माई फॉलो माई चैनल सस्टेनेबल एवरी डे, एंड आई विल कैच यू गाइज इन माई नेक्स्ट व्लॉग। थैंक्स।